हेलो वैस, आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए हो नए में, लेकिन यूट्यूब का बैनर कैसे बनाया जाता है आपको नहीं पता है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब का जो बैनर होता है, वीडियो में चैनल जो रहता है, चैनल के पीछे में एक बैनर लगा रहता है, पोस्टर लगा रहता है। अगर आपको भी अगर यूट्यूब का बैनर लगाने नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आज मैं बताने वाला हूँ HD क्वालिटी में किस तरीके से आप अपने यूट्यूब का बैनर बना सकते हो, वो भी ईजी तरीका से। बेस्ट एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब बैनर के लिए। अगर इस एप्लीकेशन से आप अपने यूट्यूब के लिए बैनर बनाते हो, HD क्वालिटी में आपका YouTube बैनर आने वाला है। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और YouTube से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं YouTube का बैनर कैसे बनाया जाता है, वो भी सही तरीके से। सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री और आपको या दोस्तों पेड करने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों मैंने आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। तो दोस्तों सबसे पहले इस ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपको लोगो इस तरह का दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इमेज साइज, जो इमेज साइज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम लिखा रहेगा तो इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कर देना है। जब भी आप बैनर बनाना चाहते हैं अपने जो भी यूट्यूब के लिए, तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब कवर आर्ट, यहाँ पे गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर और ऊपर में लिखा रहेगा यूट्यूब चैनल बैनर। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक कीजिए अपने वेथ यहाँ पे हाइट ले लेगा और ओके आपको कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस साइज का आ जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं टैक्स है, चलिए टैक्स को डिलीट वाले पर क्लिक करके डिलीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है एक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड और यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, चलिए कलर पर क्लिक करके और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं ये बैकग्राउंड रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। और जहाँ दोस्तों आपको इसको मतलब को यहाँ पे जो कितनी टैक्स मतलब कितने यहाँ पे साइज इसको लेना है जो आपको परफेक्ट आपको बैनर बन सके। तो दोस्तों मैंने एक डाउनलोड कर चुके थे, यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके जो भी डाउनलोड किए हुए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इस तरह के एक डाउनलोड कर चुके हैं PNG फाइल है। तो चलिए इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक करके इसको फुल यहाँ पे साइज कर देते हैं, चलिए इसको फुल साइज कर देना, जितना आपको यहाँ पे साइज है उतना ही सेम कर देना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो चलिए एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे यहाँ पे बीच वाले आपका, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये वाला आपको कर देना है, आपको इसमें से क्या इरेजर कर देना है, इरेज कलर पर क्लिक करके यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो जैसे इनेबल की जगह इसको फुल कर देते हैं, देख सकते हैं मैंने फुल किया वो हट गया अपने आप इरेजर बैकग्राउंड, ठीक है। तो पूरा फुल कर दिए और फुल करने के बाद ओके कर देना है और देख सकते हैं परफेक्ट साइज यहाँ पे मेरा लग चुका है, ठीक है। और इसके जो भाग है ना तो इसके लिए क्या कर देना है यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे इसके साइज को यहाँ पे इधर उधर हिले या इधर उधर नहीं हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला आइकन के बगल में ये वाला होगा, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे लॉक वाला आइकन पे क्लिक कर देना है तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें अपना टेक्स्ट जो भी लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हैं, आप बीच वाले कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए फिर से प्लस वाला यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शेप में क्लिक करके और इसको साइज को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रख के इस साइज में आपको फिर परफेक्ट बैठाना है, ठीक है, आपको ज्यादा साइज नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलिए इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये देखिए परफेक्ट मेरा यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है। इसी साइज में हमको लिखना है सारा कुछ, उसके बाद ही आपको परफेक्ट लगेगा। चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, इनेबल करके यहाँ पे जो कलर रखना चाहते हैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यही कलर रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है और इसको भी इधर उधर भागे ना तो इसके लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे इसको भी लॉक कर देना है। तो ये लॉक हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट जो भी लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एक जो यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हो वाला आप यहाँ पे रख चुके हैं, यहाँ पे यूट्यूब बैनर के जो भी लोगो यहाँ पे है तो वो वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक ये डाउनलोड कर चुके थे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देते हैं और चलिए इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब भी एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक है, बीच में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपना जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं एक ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं,
तो यहाँ पे काफी अच्छा लगता है ये वाला सिलेक्ट कर लेने। चलिए यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है। सेट करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँ, फिर से मैं जो भी फाइल में यहाँ पर जो भी पार्ट यूज कर रहा है वो आपको ये दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते मैंने इसको जो फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम का लोगो है यहाँ पर लोगो लगा देते हैं। तो चलिए इसको लोगो लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना चैनल का जो भी नाम लिखना चाहते हैं नाम लिख सकते हैं। तो चौक लगाना चाहते हैं तो चलिए ये वाला ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे फिर से आपको क्या है यहाँ पे ए वाला क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके जो भी टेक्स्ट लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं। चलिए मैं एक यहाँ पे अपना चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक ब्लॉग परफेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं शेयर वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम रहेगा, इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अल्ट्रा कर देना, मतलब फुल HD में आपको ये सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दिया, आपको भी क्लिक कर देना और थोड़ा सा वेट लेगा और आपकी डायरेक्ट गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा जी। तो देख सकते हैं मेरे फोन की गैलरी में जाके सेव हो चुका है। तो जाकर आप वहां से आप यूट्यूब से जाकर आप यूट्यूब का जो बैनर है वहां से लगा भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो के लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए टेक केयर।